नागपुर मंडल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के संरक्षा विभाग द्वारा इतवारी स्टेशन में मंडल रेल प्रबंधक मनिंदर उप्पल की उपस्थिति में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। विपिन बी सिंह कमांडेंट के नेतृत्व में 5 बीएन एनजीआरएफ आरआरसी नागपुर देवेंद्र उइके और राजेश वघाड़े पीटीसीआई के नेतृत्व में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के नागरिक सुरक्षा संगठन और ARTARME के प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा संयुक्त रूप से आपदा की स्थिति में किए जाने वाले राहत और बचाव कार्यों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन मॉक ड्रिल के माध्यम से इतवारी स्टेशन में किया गया। इस ड्रिल के तहत यह बताया गया कि सुबह 10:35 पर इतवारी स्टेशन में रामटेक नागपुर स्पेशल ट्रेन क्रमांक 08751 दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और इसमें लगभग 120 से 140 यात्री थे। सूचना मिलते ही रिलीफ ट्रेन सहित नागरिक सुरक्षा संगठन एनजीआरएफ टीम सहित संबंधित अधिकारी और कर्मी घटनास्थल पहुंचकर आभासी यात्रियों को निकालने और बचाने का काम शुरू किया। लगभग 2 घंटे के संयुक्त अभियान में सभी आभासी यात्रियों को कोचों से निकाल उन्हें उचित चिकित्सा प्रदान की गई और गंभीर रूप से घायल 20 आभासी यात्रियों को रेलवे अस्पताल भेजा गया। इस संयुक्त मॉक ड्रिल में रेलवे के संबंधित विभाग एनजीआरएफ बचाव दल नागपुर नागरिक सुरक्षा संगठन ARTARME के नामित अधिकारी कर्मी अग्निशमन दल के कर्मचारियों आरपीएफ की टीम आदि ने भी भाग लिया। इन लोगों ने डिब्बों में फंसे आभासी यात्रियों को भी बाहर निकाला और डिब्बों में लगी आग बुझाने का अभ्यास किया। देखिए ऐसा है कि आज मॉक ड्रिल जो है हम एनडीआरएफ के साथ किए हैं। एनडीआरएफ के साथ हर 2 साल में एक मॉक ड्रिल हम प्रोग्राम करते हैं। ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट की एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। कोई भी डिज़ास्टर होने के बाद कैसे हमारे रेलवे को और एनडीआरएफ मिलके कैसे हम रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकें, इसके बारे में ये जानकारी होती है और उसको हम यहाँ डिपिक्ट करते हैं लाइव। रेलवे के करीब 120-140 स्टाफ यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, उसमें सिविल डिफेंस है, स्काउट्स एंड गाइड्स हैं, ARTARME का स्टाफ है, मेडिकल की टीम है, इंजीनियरिंग की टीम है, ऑल सब डिपार्टमेंट की टीम है, SNT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सभी टीमें इसमें भाग लेती हैं और ये टीमें जो हैं मिलके रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे करना है उसको अंजाम देती हैं। मनिंदर उप्पल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मंडल द्वारा 1.5-2 साल में एक बार इस प्रकार का मॉक ड्रिल आयोजित कर आपदा की स्थिति में किए जाने वाले राहत और बचाव कार्यों का अभ्यास किया जाता है ताकि आपदा की स्थिति में किए जाने वाले राहत और बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की कमियां ना हो और आपदा बचाव कार्य पूरी तरह सफल हो। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल द्वारा रेल दुर्घटनाओं के दौरान गाड़ी में फंसे हुए यात्रियों को त्वरित मदद पहुंचाने के लिए अति आधुनिक उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। समय समय पर उपकरणों की कार्य क्षमता और कर्मियों की कार्य कुशलता की जांच हेतु मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रत्यक्ष प्रदर्शित किया जाता है। इस अवसर पर AK सूर्यवंशी, अपर मंडल प्रबंधक OGV जगताप, अपर मंडल रेल प्रबंधक TAK मंडल, चिकित्सा अधिकारी DS तोमर, वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी RK देवांगन, मंडल यंत्रिकी अभियंता जितेंद्र तिवारी, सहायक वाणिज्य प्रबंधक, संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।